हेलो गाइस, वेलकम टू नैराज किचन। आज मैं आपको मैदा के पापड़ बनाना बताऊंगी, जो हम चाय के साथ ले सकते हैं और मुझे बहुत पसंद हैं, इसलिए मैं इनको स्टोर करके रखती हूं। तो चलिए आपके साथ मैं शेयर करती हूं मैदा के पापड़ की रेसिपी। तो आज हम मैदा के पापड़ बनाएंगे, जो बनाने में भी बहुत आसान हैं और खाने में भी बहुत टेस्टी होते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। इसके लिए मैंने ये 1 कप मैदा लिया है, जो मैंने पहले से छान रखी है। ये मैंने चिल्ली फ्लेक्स लिए थोड़े, ये ऑप्शनल हैं, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं। ये मैंने साबुत जीरा लिया है 1 चम्मच, 1 पिंच मैंने हींग ली है, ये आधी पिंच मैंने मीठा सोडा लिया है। मीठा सोडा मैंने कम लिया है क्योंकि मैं थोड़े ही बना रही हूँ, आप अगर ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा डाल सकती हैं, वो क्वांटिटी के अकॉर्डिंग होता है कि हम कम ज़्यादा ले रहे हैं। मैंने काली मिर्ची है जो दरदरी पीसी हुई है, ये कसूरी मेथी है जो क्रश करके मैंने अंदर डाल दी। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग हम इसमें नमक भी डाल देंगे। इसके अंदर कोई भी लम्स नहीं रहने चाहिए, अच्छी तरीके से हम बैटर बनाएंगे और इसका बैटर है वो पतला ही बनता है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनता। ये देखिए इसका बैटर इतना पतला होगा, ज़्यादा थिक नहीं करेंगे, अगर ज़्यादा थिक करेंगे तो हमारे पापड़ बन नहीं पाएंगे। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं। मैंने कुकर रख दिया है और गैस ऑन कर दिया, 2 गिलास मैंने पानी डाल दिया है, इसको उबाल लेंगे, उसके बाद हम पापड़ बनाना शुरू करेंगे। ये मैंने प्लेट ली है और प्लेट को हमने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। आपके पास अगर मोल्ड है तो आप मोल्ड में बना सकते हैं, आज मैं प्लेट में बना के बता रही हूँ आपको कि किस तरीके से आप प्लेट में बना सकते हैं। पापड़ के मोल्ड आपको मार्केट में आसानी से मिलते हैं। ऊपर हम बैटर डाल लें, बैटर ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि पापड़ पतले ही बनते हैं, तो ज़्यादा बैटर नहीं डालेंगे हम, बस इतना सा बैटर डालना है। ये देखिए पानी उबलने लग गया है और अब ये प्लेट इसके ऊपर रख देंगे हम। ये पापड़ जब तक हम बनाएंगे तो पानी उबल कर कम हो जाएगा, तो इसमें बीच बीच में हमें पानी थोड़ा और ऐड कर देना है और फिर उबलने के बाद ही इसके ऊपर पापड़ रखना है, क्योंकि भाप से पकने वाले पापड़ हैं तो पानी गर्म अच्छा होना ज़रूरी है। ये देखिए जैसे ही भाप लग रही है पापड़ का कलर चेंज हो गया है, और जैसे ही पापड़ का कलर चेंज हो जाता है तो समझ लीजिए कि पापड़ तैयार हो गया है। ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में बनने वाले पापड़ हैं और खाने में भी बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ ले सकते हैं। तो पापड़ तैयार हो गया है और अब इस प्लेट को हम उतार लेंगे। ये देखिए हमारा दूसरा पापड़ भी बनकर तैयार हो गया है, आप हाथ लगा कर देख सकते हैं, बिल्कुल पक कर तैयार है। और अब इसे भी हम नीचे उतार लेंगे और गैस को थोड़ा कम कर देंगे। हम 2 प्लेटों को यूज़ कर सकते हैं, 1 को इसके ऊपर रख देंगे और दूसरे में हम बैटर डालने के लिए तैयार कर लेंगे। पापड़ की साइज़ हम ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी करने से हमें उतारने में बड़ी दिक्कत होगी, तो पापड़ की साइज़ आप थोड़ी छोटी ही रखें। ये ठंडा हो गया है और फिर से इसके किनारे हम प्लेट से हटा देंगे और धीरे धीरे करके। देखिए ये पापड़ भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं और आसानी से उतर भी गए और अच्छे से पक भी गए। अब इनको हम धूप में डाल देंगे सूखने के लिए, और सूखने के बाद इनको ऑयल में फ्राई करेंगे। हमारे पापड़ सूख कर तैयार हो चुके हैं, क्योंकि अच्छी धूप थी तो ये सूख कर अच्छे से तैयार हो गए। देखिए आप बिल्कुल भी गीले नहीं हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे।
गैस ऑन कर दिया और पैन में मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया। ये मैंने छोटा टुकड़ा इसके अंदर डालकर देखा है कि तेल गर्म हुआ या नहीं हुआ। तो तेल हमारा गर्म हो चुका है, अभी इसके अंदर हम पापड़ डालेंगे। फ्लेम को थोड़ा कम कर देंगे। इसको पलट के और दबा के अच्छे से सेक लेना है, कोई कच्चा ना रह जाए। दूसरी साइड में पलट देंगे ताकि उस साइड से भी सीख जाए। हमारे पापड़ सीख कर तैयार हो गए हैं और खाने के लिए रेडी हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए।